बात है 2012 की, मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोस अल्वरिंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था। अल्वरिंगा उस समय 36 साल का था और ये एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 के दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए अपने छोटी सी बोट पर निकला। इनका प्लान था कि वो लोग 30 घंटे में ही फिशिंग करके लौट आएंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कोई ज़्यादा सामान नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ रखते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना ले जाने वाले जोश को कहाँ मालूम था कि उनकी अगली 438 दिन उनकी ज़िंदगी की सबसे बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुंदर में बिछा दिया। कुछ मिनटों के बाद एक भयानक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के खातिर उन्होंने मछली के जाल को वहीं छोड़ दिया और वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार पूरी स्पीड में भगाते सुबह के 7 बजे वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नज़र आने लगा था। वो इस तूफान को काफ़ी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट को डायरेक्शन देने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। अपने बॉस का जवाब मिलते मिलते उनकी रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई। इन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। तेज़ हवा ने उनकी बोट को वापस समुंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उनको दिखाई दे रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जॉस और उनके साथी का मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन हो चुके थे और तेज़ हवाओं ने जॉस की बोट को किनारे से 400 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुंदर के ऐसे हिस्से में पहुँच चुके थे जहाँ हर डायरेक्शन में पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से स्पॉट नहीं किया जा सकता है और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन है। जॉस अल्वरिंगा और उनके दोस्त को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि उनके बचने का अब कोई चांस नहीं है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि समुंदर का खारा पानी पीने से उनकी मौत हो सकती है, तो उन्होंने बारिश का पानी एक बोतल में जमा करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती तो वो लोग मछलियों और टर्टल का खून पीते थे। दिन गुजरता गया और महीनों वो लोग मेंटली टॉर्चर होने लगे। आखिरकार जॉस अल्वरिंगा के साथी ने ये सब सहा नहीं और सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जॉस के पास कोई बात करने वाला भी नहीं था। 30 जनवरी 2014 को यानी कि पूरे 14 महीनों के बाद जोस ने आसपास नारियल तैरते हुए देखा। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद उस आइलैंड नज़र आने लगा। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए उसने पानी में कूद गया और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच गया। पहले 438 दिन के बाद उसने ज़मीन पर कदम रखा। वहाँ पर उसे एक छोटा बीच हाउस मिला। फिर वहाँ से जॉस को घर वापस भेज दिया गया। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।